कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर सोमवार को मोहम्मदपुर गांव के समीप टैंकर में इंडिगो कार भिड़ जाने से उमेश वर्मा पुत्र मोहन वर्मा उम्र 25 वर्ष, शेखपुर मदरसा चौक गोरखपुर व इंदल पुत्र लोकन उम्र 26 वर्ष धनतुरिया सकरन सीतापुर की मौत हो गई जबकि महेश पुत्र भल्लू व संतराम पुत्र रामपाल धनतुरिया सकरन सीतापुर तथा प्रदीप पुत्र महेश धानी बाजार महाराजगंज गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कैंपियरगंज सीएससी के चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतक में एक इंडिगो चालक व दूसरा मजदूर बताया जा रहा है। वहीं कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के भौराबारी में गंगोत्री पत्नी मल्लू यादव अपने पुत्र के साथ बाइक से गौरीशंकर मंदिर दर्शन करने गई थी। वापसी के समय अचानक बाइक से गिर गई जिससे सिर में गंभीर चोट लग गई। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपियरगंज के लिए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष निर्भय नारायण सिंह मैफोर्स के साथ पहुंचे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। जी, प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि कोई फोर व्हीकल है, इंडिगो या कोई इस तरह की गाड़ी है जो पानी के टैंकर और ट्रैक्टर के पीछे लड़ गई जिससे ट्रैक्टर में आगे की तरफ बैठने वाले दो लोग छिटक करके उसी ट्रैक्टर के और टैंकर पलट गया, उसकी चपेट में आ गए। साथ ही जो गाड़ी का ड्राइवर था उसकी भी वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो अभी तक के तीन लोगों की मृत्यु हो गई है और एक बंदा अभी भी सीरियस जख्मी है जो इंडिगो गाड़ी में आगे की तरफ बैठा हुआ था। तो प्रथम दृष्टया इसमें जो पीछे गाड़ी आकर के घुसी है पानी के टैंकर और ट्रैक्टर ट्राली में, उसी की ही लापरवाही सामने आ रही है। बाकी मुकदमा दर्ज करके जो आगे कार्रवाई होगी वो की जा रही है, किसी किस्म की कोई लायनत नहीं है।